हमारा बन चुका, मतलब आ जाइए ऐसे दिखाओ आप लोग भी आ जाइए खाना खा लीजिए। ऐसे दिखाना चाहिए खाना। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और आपको आज और एक गुड न्यूज़ देनी है, तो आप मेरी वीडियोस में बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले वो मैं आगे आपसे बताऊंगी, और मैं यहाँ पे भी काम स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा मॉर्निंग का स्टार्ट ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। कल आप लोगों की बहुत अच्छी अच्छी कमेंट आई, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और ये थोड़ा सा फैला हुआ था तो मैं इसको जमा रही थी, आराम आराम से जमा रही थी, बट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा। फिर ये सीधे मेरे शाम का वक्त है, तो शाम को मैं अपने हस्बैंड को पोहा बना रही थी। अब बिल्कुल कम तेल मसाला वाला है, तो ये ऐसा रूखा रूखा बना था। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे सब्जी लेने। भैया ले आते थे पर अभी आज नहीं लेके आए, मतलब पानी भी भरना था ना उनको, इस वजह से। देखूंगी क्या आज खिचड़ी बनाती हूँ और क्या बनाती हूँ। जी वाला दूर है, क्या आएगा कम लगेंगे। पन्नी अच्छा पन्नी मांगे उनने दिए नहीं, हमारे लायक कोई सब्जी थी नहीं। ना कुमड़ा खा सकते हैं, ना भटा खा सकते हैं, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे खिचड़ी चढ़ी हुई है, वो भैया ने बना रही है। और ये आटा सन गया है क्योंकि भैया ने सना है। अभी मैं बनाऊंगी रोटियाँ, और अभी करीब बज रहा होगा 11:30। और आप लोगों को एक अच्छी बात बतानी है, ये कि आप लोग भी काफ़ी चिंता कर रहे थे कि काम बहुत पड़ जाता है, तो मतलब हमें एक यहीं पे आंटी मिल गई हैं, तो वो झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए। अब वो वाली आंटी तो चली गई, तो झाड़ू पोछा बर्तन वो कर देंगी, बस हमें खाना बनाना रहेगा। तो मैं और भैया मिलके बना लेते हैं, मतलब काफ़ी मदद कर देते हैं इस समय, आटा वाटा सानने में जो भी। मुझे ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, मुझे कम काम पड़ता है। ये मैं आपको कबूतर बताती हूँ, धूप का तो यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे यहाँ पर 5-6 सीढ़ियाँ होंगी। बहुत दिनों बाद धूप में निकली हूँ सच में, तो एकदम आँख ना अब वो लग रही है, खुलते नहीं बन रही। और ये कपड़े बिल्कुल भी, यहाँ पे टाइम नहीं रहता। तो खाना पीना हमारा बन चुका, मतलब, और अब काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आए। और ये फिर यहाँ पे कुछ फट्टियाँ, झाड़ू वगैरह भी ले आई थी। धुले नहीं थे फट्टी, पर मैंने सोचा थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो जो भी इसमें वो होंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, सूख भी जाएं, क्योंकि सीत सीत टाइप की हो गई थी। और झाड़ू भी हल्की हल्की गीली हो गई थी, तो मैंने इनको ऐसे ही डाल दिया था, जिसमें कि अच्छी कड़ी धूप है तो लग जाएगी। अच्छा, क्योंकि अब डॉक्टर ने बोला है आपको थोड़ा उतरना चढ़ना भी है, इस वजह से बस अब सीढ़ियाँ ख़त्म। सीधे फिर मेरे नाइट का था, और नाइट मतलब रात के खाने की तैयारी हो रही थी,
करीब इस समय 7 बजा था, लगभग 6:30-7 बजा था, और मैं गिलकियाँ छील रही थी बैठ के। धीरे धीरे काम करती हूँ, कभी ये कभी वो, तो और नीचे बैठ नहीं सकती क्योंकि टाइल्स है, तो टाइल्स ज़्यादा ठंड आती हैं, तो बस मैं यहीं पे बैठ गई थी। और एक में छिलका छील छील के रख रही थी एक प्लेट में, और एक में मैं और एक में रख रही एक में सब्जियां काट रही थी। और जो सुबह का मैंने आपको बताया, तो उनके पास ये सब्जी नहीं थी, ये भैया लेकर आए थे। और कुछ 3-4 प्रकार की सब्जियां हैं जो मतलब हमें खानी हैं, बाकी तो कोई सब्जी ही नहीं खानी है। तो यही गिलकी खाओ, गोभी खाओ, और एक दो और ऐसी सब्जियां हैं बस, परवल, बरबटी और फ्रांस बीन, यही सब हैं। तो इनको पहले हम जब लाते हैं तो बाहर ऐसे ही रख देते हैं 1-2 घंटे के लिए कोई भी सब्जियां, उसके बाद फिर पहले ऐसे ही धो लेते हैं ऊपर से हल्के पानी से, और फिर बनाते हैं, क्योंकि एक मन में डर सा लगा रहता है इस वजह से। और यहाँ पे सब्जियाँ काफ़ी दूर लेने जाना पड़ता है, और यहाँ पे इस साइड बहुत कम ठेले वाले निकलते हैं जिससे हम सब्जियाँ ले मतलब सकें। तो भैया दूर से लेकर आए थे ये सब्जी, और काट काट के इसलिए देख रही थी, पता चला कि अगर मैंने सेगी छील ली और फिर बाद में देखा तो वो आधी सड़ी निकल गई, इसलिए काट काट के देख रही थी, फिर छील रही थी। तो बस आराम आराम से काट रही थी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, और मैं अपने यहाँ पे हस्बैंड से भी बात कर रही थी। मतलब ऐसे ही बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी अब मुझे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काफ़ी रात हो चुकी है। और पहले थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, मतलब रोज़ रात को ही एडिटिंग करती हूँ, फिर सुबह से इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे। हालांकि टाइम तो बहुत लगता है, पर ठीक है, मैनेज कर ले रही हूँ, जब तक आप लोगों से शेयर कर पाऊँ अपनी वीडियो तो करती रहूँगी। तो यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो गया है, पानी गर्म होने के बाद मैंने इस पे डाल दिया है गिलकी जो मैंने कट की है, क्योंकि हमें जो सब्जियाँ बनानी हैं जो भी हम लेकर आते हैं, तो पहले मतलब मैं गर्म पानी में धुलती हूँ, और उसके बाद फिर हम सब्जी आगे बनाते हैं। तो मुझे तो इतना डर रहता है, तो मैं प्याज होती है ना जो, उसको भी नॉर्मल ठंडे पानी से धुल देती हूँ, क्योंकि मतलब उसमें थोड़ी सी महक भी आती है, थोड़ा सा वो मतलब काला काला सीतपन टाइप का नहीं हो जाता है, तो इसलिए मैं प्याज को भी धुल लेती हूँ। उसको गर्म पानी से नहीं धुलती हूँ, उसको नॉर्मल पानी से, और जो मेरी स्पीड है वो स्पीड के कारण है, मतलब स्पीड मैंने बढ़ा दी है, वरना आप लोग इसी में बोर हो जाते और मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, क्योंकि मैं लगा दे रही हूँ। अभी मैं इतना हार्ड वर्क को कर नहीं सकती, बट अभी जितना होता है मुझसे तो मैं करती हूँ। और तो मुझे खुद को देख के भी वीडियो में लगता है कि मैं कितना, मतलब मुझे लगता है कि बस खाना बन जाए और मेरा ये भी काम होते रहे, वो भी काम होते रहे, इस तरीके से मैं करती रहती हूँ। अभी भुंज रहा है ये प्याज, और इसको तो मध्यम आंच में खड़े होके ही पकाओ, वरना जल जाती है। वहाँ लगा हुआ हमारा ट्राईपॉड, जो कि आधा तो मतलब मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे ऐसे कर करके इसका नट घूम गया, यहाँ बार बार आके बैठ जाती हूँ, थोड़ा चलाती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, तो ऐसे ऐसे करके मेरा खाना बनता है। ठीक है, पर बन जाता है, अभी बज रहा होगा 7:30, 8 बजे तक मेरा बन जाएगा, 8:30-8 बजे तक। अब चलो इनसे पूछते हैं कैसा बना खाना, कैसा बना। हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं खाना खा रहा हूँ, आप लोग भी आ जाइए, ऐसे दिखाओ, आप लोग आ जाइए खाना खा लीजिए। ऐसे दिखाना चाहिए, खाना खा लो। और ये यानी कि मतलब शक्ल पहले से अच्छी हो गई है ना, मतलब
पहले चेहरा डल हो गया था जब वो हो रही थी, अब तो उसका नाम भी नहीं लूंगी जब वो बीमारी थी, है ना। अब चेहरा साफ हो गया और पहले से काफ़ी। तो चलो फिर से मिलूंगी आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।